यूपी ईस्ट के सीजीएम का पदभार लेने के बाद मंगलवार को भारत संचार निगम लिमिटेड के महाप्रबंधक दूरसंचार कार्यालय में आरसी राय ने स्थानीय अधिकारियों के साथ दूरसंचार व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक किया। बैठक में दूरसंचार विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे। आरसी राय ने कहा कि हमारी आज पहली मीटिंग है जिसका मुख्य बिंदु रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए है, उस पर फोकस किया गया है और सबसे बड़ी समस्या नेटवर्क पर फोकस किया गया है। हम सभी चाहते हैं कि 24 घंटे सिग्नल मिले, इसी बात पर हम लोगों ने चर्चा किया है। इस दौरान दूरसंचार विभाग के जिला प्रधान महाप्रबंधक देवेंद्र सिंह, दूरसंचार विभाग के उप महाप्रबंधक एस उपाध्याय मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए यूपी ईस्ट के सीजीएम आरसी राय ने कहा, सीजीएम यूपी चार्ज लेने के बाद गोरखपुर में मेरी पहली बैठक है और इस बैठक में सारे अधिकारी उपस्थित हैं और ये चूँकि पहली मीटिंग है तो इसमें मेन जो बिंदु है कि हमारा रेवेन्यू कैसे बढ़े उस पर फोकस किया गया है, उसके क्या तरीके हैं और जो नेटवर्क अवेलेबिलिटी जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो हम सभी चाहते हैं कि 24 आवर सिग्नल मिले, उस पर हम लोगों ने फोकस किया है और बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि नेटवर्क अवेलेबिलिटी हम 24 आवर्स कैसे दे सकते हैं जिससे हमारा रेवेन्यू बढ़े और पब्लिक परसेप्शन भी अच्छा रहे, सभी को सिग्नल 24 आवर्स मिले, इस पर विस्तृत रूप से चर्चा किया है। बाकी बिंदु सीएफए वर्टिकल है, ईवी बिजनेस है, इस पर भी हम लोग चर्चा किया, लेकिन मेन जो हम लोगों का फोकस यही है कि हमारा रेवेन्यू बढ़े और सर्विस क्वालिटी इम्प्रूव हो, इस पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में सर्विस क्वालिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा और हमारे कस्टमर भी बढ़ेंगे, यही सब चर्चा हुआ है। थैंक यू।